हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रूथ फिजिक्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज अनीकोम्प यूनिट सेल ओके एंड हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट और हमारा जो प्रिमिटिव वेक्टर्स होता है हनीकोम्ब हनी कोम्प का वो कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव वेक्टर्स आप ले सकते हैं हनीकोम लैटिस का कैसे वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में उसके साथ इसका विग्नर्स सेल क्या कैसे फॉर्म होता है ठीक है किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो वो मैं डिस्कस करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ठीक है तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप डिटेलली डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज यूनिट सेल और ये जो हनीकॉम है ना ये ये एक लैटिस नहीं होता हनीकॉम कोई लैटिस नहीं होता क्यों लैटिस नहीं होता लैटिस का डेफिनेशन क्या है और यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है और इसका प्रिमिटिव वेक्टर्स कैसे हम फॉर्म कर सकते हो तो वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में तो ये कुछ स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रक्चर है हमारा अनिकोम लैटिस का तो ये दे, देखिए एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और ईच हेक्सागोन ईच जो कॉर्नर्स है उसमें हमारा एटम्स है ठीक है हनीकोम का जो एटम्स है वो रखा हुआ है तो ये एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें इस टाइप का आ, देखने में आता है फिजिकली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बहुत सारा फिजिकल मैटर का ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक ब्लू एक ब्लू एटम है एक येलो एटम है तो मैं क्यों ब्लू और येलो से डिनोट कर रहा हूं कि, क्योंकि ये दो जो एटम है नियर बाई ये एटम और ये एटम ये एक्चुअली इनिक्वेली वैलेंट एटम्स है ठीक है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर आप इसका टोटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते ठीक है ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं टोटल ये जो एटम है ठीक है ये एटम और ये जो एटम है ये दोनों में एक डिफरेंस है क्या डिफरेंस है कि ये जो एटम है इसका ऊपर इसका ऊपर बाई इस टाइप के एटम है लेकिन इसके ऊपर ऐसे इस में कोई भी एटम नहीं है राइट सिमिलरली इसके नीचे नीचे स्पेस इतने दूरी पर एम टी है राइट लेकिन इसके नीचे यहाँ पे एक एटम है तो फिर इसका जो नियर बाई स्ट्रक्चर है वो इसका से डिफरेंट है इसलिए मैं बोला कि ये दो जो एटम है मैं से और ब्लू से डिनोट कर रहा हूं इस दोनों को क्योंकि ये दोनों इनइक्विवेलेंट इनइक्विवेलेंट एटम्स है ठीक है तो इसलिए बोला जाता है कि हानिकॉम कोई लैटिस फॉर्म नहीं करता ये एक यूनिट सेल है यूनिट सेल है lattice, मतलब लैटिस का जो डेफिनेशन है लैटिस लैटिस डेफिनेशन कुछ इस टाइप का है मैं स्टेटमेंट रहा ए सेट ऑफ डिफरेंट होता है सारे है ठीक बहुत एनी गिव पॉइंट सपोज फॉर दिस केस इसका अगर एनवायरमेंट देखते हैं तो लैटिस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स वायर द

When many identical units are stacked together, it tiles all of the space and uh, and and completes the full structure. Means that uh, a e unit cell, matlab a छोटा सा एक ब्लॉक है एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसका रिपीटेशन आप करते हैं देखिए यहां पे इसका ही मैं रिपीटेशन किया यहाँ यहाँ यहां ऐसे अगर हम ऑल ओवर द स्पेस इस ब्लॉक का ही रिपीटेशन करते जाए तो फिर हम फुल स्पेस को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिट सेल तो आप देख सकते हैं यही चीज हो रहा है यहाँ पे ये यह छोटा सा जो बिल्डिंग ब्लॉक है इसको अगर आप कई बार कई बार अगर रिपीट करते हैं तो आ, हमें पूरा हम पूरा स्पेस को फिल कर सकते हैं तो सेल बट नॉट लैटिस तो हनीकोम का लेटिस क्या है honeycomb का जो है इसमें एक लैटिस भी है वो लेटिस है ट्रायंगुलर लैटिस कैसे अब ये पॉइंट्स को अच्छे से देखिए ये जो पॉइंट्स में डिनोट कर रहा हूं व्हाइट कलर से ये पॉइंट ये ये पॉइंट अब आप देखिए ऐसे ऊपर भी एक पॉइंट होगा ठीक है यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है ठीक इसे व्हाइट कलर से भी नोट कर ये एक पॉइंट है, है, है ये एक पॉइंट है ये है, एक पॉइंट अब देखिए ये जो पॉइंट्स में व्हाइट कलर से डिनोट किया ये सारे पॉइंट्स जो एक लैटिस फॉर्म कर रहा है क्यों क्योंकि इसका नियर बाई जो कॉन्फिगरेशन है वो देखिए इसका राइट right साइड पे एक एटम है लेफ्ट साइड में इस डिस्टेंस पे एक एटम है और ऊपर इस, इस एंगल में एक एटम है देखिए इसके लिए क्या होता है इसका भी लेफ्ट साइड में एक है। इसका अगर इधर हम करते हैं तो फिर भी हमें एक एटम यहाँ पे मिलेगा अच्छा इसका इस कॉर्नर पे भी एक एटम मिलेगा राइट क्योंकि ये ऐसे फॉर्म करेगा राइट ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फिर भी देखिए एकदम सिमिलर है तो इस कारण से क्योंकि ये हमारा नियर बाई एटम्स जो है इसका जो नियर बाई एटम्स है ये ये या फिर ये ये सारे क्या हो रहा है नियर बाई जो हमारा एनवायरमेंट है ये दोनों एटम्स का ये सेम है इसलिए ये जो व्हाइट पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ ये एक लैटिस फॉर्म कर रहे है अच्छा तो फिर इसको हम अगर डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से अगर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं ठीक है ऐसे अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो होता है ये का जो लैटिस होता है है वो फॉर्म करता तो और हम जो प्रीमिटिव यूनिट्स प्रिमिटिव वेक्टर्स लेते हैं ठीक है ये इस लैटिस का ही बनता है मतलब प्रीमिटिव वेक्टर्स जो होता है ये इस केस में ये एक प्रिमिटिव वेक्टर बन सकता है

तो ये क्या है इंटीजर तो इंटीजर मल्टीप्ली इंटीजर आ, को मल्टीप्लाई करके मतलब आ, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते जो जनरल हम फॉर्म लिखते हैं सी कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसे हम एम वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर से आ, हम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं तो फिर मतलब m और n ये जो दोनों हैं ये इंटीजर होगा और देन अगर को हम कोई भी पॉइंट कोई भी लैटिस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन वेयर m एंड n इंटीजर्स देन दिस a वेक्टर एंड b वेक्टर कॉल्ड प्रिमिटिव वेक्टर्स तो इस केस में देखिए ये दो को हम अगर प्रिमिटिव वेक्टर्स मानते हैं देन वी कैन वी कैन रीच एट एनी पॉइंट ऑफ द लैटिस इसको डबल करके यहाँ पहुंच सकते हैं इसको अगर हम डबल करते तो ऊपर के एक ऊपर के एक पॉइंट रहेगा उसमें हम पहुंच सकते हैं इस 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 जो सेल है इसके ऊपर एक रहेगा उसमें अच्छा सिमिलर अगर हम यहां से इस पॉइंट में जाते हैं मतलब ए प्लस बी अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो फिर ये पॉइंट हम ए पॉइंट पे हम पहुंचते हैं ये ए वेक्टर गया फिर बी वेक्टर गया तो फिर हम डी पॉइंट में पहुंच सकते हैं तो अब देख सकते हैं ऐसे हम टोटल और इसको अगर हम माइनस करते हैं माइनस बी वेक्टर करते हैं तो इस पॉइंट में फिर माइनस ए माइनस बी अगर करते हैं ठीक है ठीके? तो फिर इस पॉइंट में माइनस uh, ए मतलब इधर इस पॉइंट में आ जाएंगे और फिर माइनस बी मतलब इधर के कुछ कोई भी एक पॉइंट पे हम आ सकते हैं तो ऐसे ही हम uh, ऑल ओवर uh, हम कोई भी लैटिस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए यहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये 60 डिग्री एंगल है आप समझ सकते होंगे तो ये ए वेक्टर क्या होगा कॉस 60 प्लस मतलब ये क्या होगा ये होगा ये डिस्टेंस जो है हमारा ये सपोज हम डिनोट कर रहे हैं इसे x से इस पॉइंट से इस पॉइंट ठीक है या फिर इस ओके okay, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम ये मानते हैं या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी ए एक ही है ठीक है ठीक है तो मतलब हर एक का जो डिस्टेंस है ठीक है वो सेम ही है दोनों लेटिस पॉइंट के बीच में लेकिन क्या डिफरेंट है इसका अगर हम वेक्टर वेक्टर लेते क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट है तो ए को हम बी को लिख सकते हैं क्या x i कैप ठीक है x x एक्सिस अ इधर है, है हमारा तो x i कैप और b को और a a वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप मतलब cos 60 मतलब x by 2 i प्लस रूट थ्री बाई टू जे ऐसे लिख सकते हैं ऐसे अच्छा तो है तो ये एक हमारा पॉसिबिलिटी है तो ये एक हमारा प्रिमेटिव वेक्टर्स होगा ऐसे ही हम और भी कुछ प्रिमेटिव वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कैसे देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर रहा हूं देखिए ये एक और एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है देखिए ये अगर पॉसिबिलिटी लेते हैं फिर भी तब भी आप आ, कोई भी लैटिस पॉइंट में पहुंच सकते हैं आप ये थोड़ा सा सोचिए आप समझ सकेंगे अब ए वेक्टर को यहाँ पे कैसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर तो सेम ही है ये तो ओवर प्लस रूट थ्री ओवर टू जी वेक्टर थीटा दिस इज एक्स एक्सिस माइनस थीटा आई प्लस रूट थ्री बाई टू जी तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक वेक्टर लीजिए ठीक है येलो कलर से डिनोट करो इसको एक वेक्टर लीजिए और इसको और एक वेक्टर लीजिए ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है देखिए आप चेक करके देखिए यहां से सपोज इस पॉइंट पे गए फिर ए प्लस बी अगर हम करते हैं इस केस में तो हम इस पॉइंट में पहुंच जाएंगे ए गए फिर बी राइट right? अब माइनस माइनस Uh, इस टोटल का माइनस करते हैं माइनस ऑफ ए प्लस बी ठीक है B, इस केस में तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे इस वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट अच्छा अब हम माइनस ए अगर करते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे माइनस बी अगर करते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अब इस पॉइंट पे कैसे पहुंच इस पॉइंट पे तो वैसे ही पहुंच गए हम बी वेक्टर को लेके ठीक है तो हम हर एक पॉइंट पे पहुंच गए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर तो हमारा सिंपली एक्स आई कैप हो जाएगा और बी वेक्टर हमारा होगा ये चीज मतलब माइनस एक्स ओवर टू आई प्लस रूट थ्री ओवर टू जे तो ये तीनों हमारा पॉसिबिलिटीज है कि हनी लैटिस का जो प्रिमिटिव वेक्टर्स होगा वो अब वीगनर सेल कैसे ड्रॉ करते हैं वीगनर सेल ड्रॉ करने के लिए हमारा जो लैटिस का जो दो पॉइंट होता है लाइक दिस एंड दिस ये जो दो पॉइंट होता है इस दोनों के बीच में क्या होता है बाई सेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है ठीक है तो मैं ड्रॉ करता हूँ हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों नियरस्ट पॉइंट के बीच में ऐसे हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों को अब जोड़िए और इसका एक बाइसेक्टर कैसे होगा कुछ इस टाइप का होगा ऐसे इसका और इसके बीच में ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस टाइप का होगा ऐसे ही इसका इसके बीच में अगर करते हैं तो कुछ इस टाइप का होगा इसके इसके बीच में इस टाइप का इसके इसके बीच में इस टाइप का और इसके सॉरी इसके और इसके बीच में इस टाइप का बायसेक्टर होगा तो ये येलो कलर वाला जो है हमारा हेक्सागोन ये ये जो है ना ये हेक्सागोन हमारा होगा विग्नर सीड सेल तो ऐसे ही हम विग्नर सीड सेल फॉर्म करते हैं तो अब देखिए ये जो विग्नर सीड सेल है ये एक्चुअली हमारा जो हनीकॉम हनीकॉम जो स्ट्रक्चर था हनीकॉम जो यूनिट सेल था उसके जैसा ही हो रहा है तो आप कैलकुलेशन के आप कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं कि जो इसका जो Uh, हमारा रेसिप्रोकल का लैटिस होगा वो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ठीक है तो मतलब हमारा एक्चुअल लैटिस जो था हमारा एक्चुअल जो हनीकॉम का था था वो था ये रेट? ये राइट कलर वाला ये जो था ये एक्चुअल है हमारा लैटिस हनीकॉम लैटिस ठीक है और ये इसको जस्ट 90 डिग्री आप रोटेट कर देंगे अगर तो फिर हमें मिलेगा ये चीज ये क्या है ये है हमारा हनीकॉम का जो विग्नर सीड सेल है राइट विग्नर सीड सेल या फिर यही है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस। लैटिस। रेसिप्रोकल तो यही था uh, सारा कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज प्रिमिटिव वेक्टर्स व्हाट विग्नर सीड सेल व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस एंड एक्चुअली हनीकॉम का लैटिस क्यों नहीं फॉर्म होता और उसका यूनिट सेल का मतलब क्या है तो ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक्स फॉर वॉचिंग